अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एंड नोट को यूज करते हुए वर्ड फाइल में रेफरेंसेस ऐड करना। सबसे पहले आपको ये जो ऊपर एंड नोट का बार नजर आ रहा है, इस मेन बार में आपने सेलेक्ट करना है गो टू एंड नोट। जैसे ही एंड नोट ओपन होगा, वहां पे आपको न्यू लाइब्रेरी जनरेट करनी है। आप लाइब्रेरी का नाम अपने काम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 हाइड्रोजेल्स थीसिस ईटीसी, जहां पे आप इसको प्लेस करना चाहें कर सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। उसके बाद जब आप जनरेट कर चुके हैं न्यू लाइब्रेरी, तो आपको गूगल में जाकर गूगल स्कॉलर ओपन करना है। गूगल स्कॉलर में कोई सा आप आर्टिकल का नाम लिखें, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ग्वारगम हाइड्रोजेल्स पोटेंशियल एब्जॉर्बेंट्स। आप कोई से भी कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने थीसिस के अकॉर्डिंगली। आपके सामने जो शो होगा थीसिस, आपने उसकी साइटेशन को सिलेक्ट करके एपीए और फिर एंड नोट को सिमिलरली सिलेक्ट करना है। एंड नोट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड में जाएंगे आप, वहां से इसको क्लिक करेंगे, एंड नोट में अब ये साइटेशन ओपन हो गई है। आपको ये हाईलाइट हुए हुए दो डॉट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो चेक करके आए कि आपने थीसिस में किस पार्ट पे, यानी कि पैराग्राफ के किस पार्ट पे आप ये इंसर्ट करने जा रहे हैं साइटेशन। जहां पे आपको इंसर्ट करना होगा, यानी कि ये रेफरेंस देना होगा, आपको वहां पे ले जाके इस क्लिक को ड्रॉप करना है। यानी कि आपका एरो वहां पे होना चाहिए यहां पे आप इंसर्ट करने जा रहे हैं साइटेशन। कंफर्म करके आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो साइटेशन का मार्क है यहां पे क्लिक करेंगे, आपका रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाकई यहां पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप कहीं से और जगह पे फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं, कोई और मैं सिलेक्ट करती हूँ इस रेफरेंस को, जैसे ही साइटेशन एपीए को सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आएंगे एंड नोट शो हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में जाके आप इसको ओपन करेंगे, एंड नोट में खुलेगा। आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे कि क्या हम यहीं पे करने जा रहे हैं, और फिर डबल एनोएटेड मार्क्स यानी कि इंसर्ट साइटेशन को आप क्लिक करेंगे, आपका रेफरेंस इंसर्ट हो जाएगा। फिर टॉपिक चेंज कर सकते हैं आप, जैसा कि मैंने कोई सा भी रफ लिया और सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया, एपीए उसके बाद एंड नोट, डाउनलोड हुआ और साइटेशन में जाके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर जहाँ पर आप करना चाहते हैं। एरो को ला के आपको वहाँ पर ड्रॉप करना। साइटेशन इंसर्ट करने से पहले आप कंफर्म कर लें कि आपका एरो ठीक पोजीशन पे। उसके बाद आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑथर डेट किया तो स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद मैं एपीए 6 या नंबर फॉर्म में करना चाहती हूँ। रिव्यूज में मोस्टली नंबर फॉर्म में होता है, तो आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई पैराग्राफ वगैरह कट किया है तो आप साइटेशन को अपडेट कर सकते हैं और वापस किसी भी और फॉर्मेट में, आप किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं रेफरेंस को। वापस हम एपीए 6 कर देते हैं इस तरह से, और लास्ट में आपको शो होंगे रेफरेंसेस जो आपने प्रोवाइड किए ऊपर। ये सारे के सारे पूरे थीसिस के आपको लास्ट में शो होते रहेंगे। If you have any of the question, you can ask me in the comments. मैंने description में end note का link दिया है जहाँ से आप इसको install कर सकते हैं, और आपकी facilitation के लिए मैंने description में या ऊपर आप देख सकते हैं video का मैं link share करती हूँ, जहाँ से आप end note को download कर सकते हैं।